तो कल हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की। हमने मसल टिश्यू टाइप देखे थे और हमने देखा था कि आगे क्या करते हैं। ठीक है, वो टिश्यू मिलके आगे क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन्स आगे मिलके वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हमने उसका फ़ायदा देखा था कि बेटर एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम सिस्टम को। आज हम पहले कॉकरोच करेंगे। कॉकरोच का चीज़ें पढ़ने के बाद फिर सेल जो यूनिट है वो स्टार्ट की है मैंने, तो सेल चैप्टर हम थोड़ा सा करेंगे आज। मैं बायो मॉलिक्यूल्स कराना चाह रहा था बट मैंने सोचा कि पहले सेल को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लूँ आपको, फिर मैं बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो एक आज पहले हम क्या कहते हैं कॉकरोच से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कल का फटाफट फटाफट सिर्फ 2 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। 4 मेन टाइप्स देखे थे हमने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। जितने मर्जी कोई भी एनिमल हो, जो हायर एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स, उनमें मेनली ये चारों मिलके ही सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा था कि फ्री सरफेस होगा, वो या तो बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस करेगा। 2 टाइप्स के देखे हमने, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल चीज़ क्या थी कि सिंपल में सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, कंपाउंड में मोर देन इक्वल टू 2 लेयर्स होते हैं। फिर सिंपल एपिथेलियल हमने देखा था कि स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वामस कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में, और इनका क्या फंक्शन होता है, डिफ्यूजन, बाउंड्री बनाना। क्यूबॉइडल कहाँ पे होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड कॉलमनार कहाँ पे होते हैं, कॉलमनार होते हैं स्टमक की लाइनिंग और इंटेस्टिन लाइनिंग में, इनका फंक्शन भी क्या है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। फिर हमने देखा था कि अगर फ्री सरफेस पे सीलिया है तो उसको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है, वो हमने देख लिया था कि ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब में। फिर हमने देखा था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, जो सिक्रीशंस करते हैं, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, या फिर ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन एक्सोक्राइन होता है या एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन हमने परसों देखा था कि हॉर्मोन्स हमने अच्छे से पढ़े थे, एक्सोक्राइन हमने सारे देख लिया था कि ये सब होता है। ठीक है, फिर हम कंपाउंड एपिथेलियम पे आ गए थे, मेन फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन थी, और लेकिन इनका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड रोल होता है क्योंकि इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे होते हैं, स्किन में, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, फिर हमने जंक्शंस देखे थे कि उनका फंक्शन क्या है, कि दे प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन का मेन फंक्शन क्या है, स्टॉप टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग। एडहेरिंग जंक्शंस का क्या है, दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और गैप जंक्शंस हमने अच्छे से देखे थे कार्डिक मसल्स में, कि दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, और क्या करते हैं, जिससे रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स हो सके स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या फिर कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स। फिर हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था ये। ठीक है, तो कितने तरीके का होता है, सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज होता है, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है यार कि इन्होंने इस लाइन में तो स्पेशलाइज में लिख दिया एडिपोज को, बट जब हम वैसे देख रहे थे एडिपोज तो उन्होंने उसको लिखा था, कहाँ पे लिखा था, स्किन के नीचे जो लिखा हुआ था, यार मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, लूज कनेक्टिव टिश्यू में लिखा था ना इन्होंने, तो थोड़ा डिफरेंस है कि भाई ये किस में आएगा। तो फिर भी आपको सेंटेंस याद रखना है कि कौन सा कहाँ दिया हुआ है, अगर ऐसी की ऐसी लाइन उठा के दे रहे हैं तो फिर एडिपोज टिश्यू को आपने स्पेशलाइज में लिखना है, नहीं तो आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लड, बाकी सब क्या करते हैं, फाइबर सिक्रेट करते हैं जिनको कोलेजन या इलास्टिन, और उनका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, जो सेल्स के बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और काम करते हैं मैट्रिक्स की तरह, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस ही बोल देते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमने देखे थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये बोल रहा था मैं। लूज कनेक्टिव में यहाँ लिखा है और ऊपर स्पेशलाइज में लिखा है। ठीक है, तो वो मे बी स्पेशलाइज की हार्ड कोर डेफिनेशन नहीं बोलना चाह रहे होंगे, बस अलग बोलना चाह रहे होंगे कि स्पेशल फंक्शंस करते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं, बट अगर पूछना है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा अगर ये स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। तो कौन कौन सा थे लूज कनेक्टिव टिश्यू में, एरियोलर टिश्यू था, एडिपोज टिश्यू था, सॉरी एरियोलर नहीं, एडिपोज की बात कर रहा था। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरीके का था, डेंस रेगुलर था, डेंस इरेगुलर था। डेंस रेगुलर क्या थे, टेंडन्स थे, लिगामेंट्स थे, एंड डेंस इरेगुलर क्या था, स्किन में प्रेजेंट होता है। फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड। हमने देखा था कि डेंस रेगुलर में क्या होगा कि रोज में पैरेलल अरेंजमेंट होगी, और डेंस इरेगुलर में क्या होगा कि किसी भी डायरेक्शन में कोई ऐसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है। फिर हमने कार्टिलेज देखा था कि प्लायबल होता है थोड़ा सा, लेकिन सॉलिड होता है फिर भी है, और मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है बाद में बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अडल्ट में कहाँ कहाँ होता है, टिप ऑफ नोज में होता है, आउटर ईयर जॉइंट्स में होता है, आउटर ईयर में होता है सॉरी, और जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स में होता है। ठीक है,
फिर हमने देखा था बोन्स के बारे में, बोन्स होती है नॉन प्लायबल और कैल्शियम और कोलेजन फाइबर में रिच होती हैं वो, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलती है। उनका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम। फिर हमने ऑस्टियोसाइट्स बात की थी कल, फिर मैंने आपको ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट का बताया था। फिर हमने ब्लड पहले बात कर चुके हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर मसल टिश्यू हमने देखा था कि थ्री टाइप्स का होता है, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक। स्मूथ को हम क्या बोल देते हैं? फ्यूजीफॉर्म बोल देते हैं, क्योंकि बहुत एंड्स पे वो टेपरिंग होती है उसकी और दिल में थोड़ी विड्थ ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। कार्डिक हमने देखा था कि फंक्शनल सेंसेशन कैसे होता है और वो कैसे एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सारे की सारे मसल जितने चेम्बर में हो सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड हो सके। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कॉकरोच से। हाँ, तो मैंने सिलेबस देख लिया था आपका, कॉकरोच ही है सिर्फ सिलेबस में, फ्रॉग और अर्थवर्म को हटा दिया गया है। और कोई मुझसे पूछ रहा था यार कि नीट का सिलेबस कम हुआ है या ऐसा कुछ है, बट मैंने उसको देखा तो वो फेक न्यूज़ निकली। भाई नीट का सिलेबस अभी तक कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पहले से कुछ कम किया है या नहीं। तो अगर आप लोगों ने कुछ देखा है ऐसा, तो उसको बड़े ध्यान से देखना यार, कि कहाँ कौन कौन सा सोर्स है और किसने शेयर किया है। हो सकता है कि किसी ने ऐसा शेयर किया हो जिससे आप लोग कम पढ़ो या कुछ भी हो, तो उसको सीरियसली नहीं लेना, आपको अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ करना है। अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं आया है कि आपका सिलेबस कुछ कम हुआ है। ठीक है, 12th बोर्ड्स के लिए था आई गेस कि कुछ सिलेबस कम होगा, बट आप लोगों के लिए नहीं था। चलो, कॉकरोच। सो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, आपने देखे ही होंगे, सिटीज में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। कहाँ होते हैं? क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा में। जो हम ये ब्राउन और ब्लैक की बात करें, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेज मिलते हैं मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो सबसे कॉमन होता है, मतलब जो कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, तो साइज किस कितना हो सकता है नॉर्मली कॉकरोचेज का? 0.25 इंचज से लेके 3 इंचज तक, यानी कि 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक। एंड दे आर दी वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। इनकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती, कि इनका कोई काम नहीं है, बस ये ह्यूमंस के साथ आके रहने लग गए हैं। इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि ह्यूमंस की सोसाइटी में आके ये अच्छे से आज क्या कहते हैं, रह रहे हैं, और ये बैक्टीरियल डिजीज मेनली काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और कॉकरोच होता है ना यार, वन ऑफ द हार्डेस्ट एनिमल टू किल है। मतलब एक स्पेसिफिक इंसेक्ट की बात नहीं कर रहा कि आपने चप्पल उठाया और मार दिया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल स्पीशीज की, या मतलब काफ़ी सारे जो होते हैं उनको ख़त्म करना एक जगह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉकरोच इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि आप इनको कुछ भी खाने को दोगे ना, ये उसी पे अडेप्ट करना शुरू कर देंगे। कि कुछ टाइम के लिए आप इनको सिर्फ एक स्पेसिफिक फूड दोगे, ये उसी से उसी को अडेप्ट करके अपनी सारी एनर्जी नीड से सब कुछ उसी से निकाल सकते हैं। इसलिए कॉकरोचेज इतने ज़्यादा अच्छे से, इतना एफिशिएंटली पूरे कॉन्टिनेंट्स में, लगभग हर एक कॉन्टिनेंट में फैल चुके हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनको मारना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपको इनको ख़त्म करने की जगह से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो। इनफैक्ट अगर आप कॉकरोच का हेड भी काट दोगे, तो भी कॉकरोच 7 डेज तक, अप टू 7 डेज तक जिंदा रहता है। वो बाद में मरता भी क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा, वो इस वजह से नहीं मरता कि उसका हेड कट गया, लेकिन उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पाती, इसलिए वो मरता है। देख लो आप कितने टफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी बोला जाता है कि अगर मानो कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुई या एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए गए और सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई और मेजर एनिमल्स सारे मर गए, लास्ट में कौन बचेगा? कॉकरोचेस बचेंगे। कॉकरोचेस बहुत इतने ज़्यादा हार्ड टू किल है। चलो, तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी सिंपल किस क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपियरेंसेस, की कैसे दिखता है। ठीक है, और जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी होती है कि इनर स्ट्रक्चर क्या है, कि बना किस चीज़ से है। चलो, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के विंग्स होते हैं, वो मेल्स में दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, और उसकी बॉडी कितने सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी। सेगमेंटेड का मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट से बनी होती है, और इट इज डिविजिबल इंटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन। ठीक है, तो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। जो हेड है वो थोरेक्स से अटैच होता है, छोटी सी नेक के साथ, और उसकी जो एंटायर बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। एक्सोस्केलेटन मेनली इंसेक्ट्स में होता है या बाकी कुछ एनिमल्स में भी होता है, जिसमें क्या है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बॉडी के बाहर है। भाई ये बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। और हमारे में क्या होता है? हमारी बॉडी बाहर है और हमारी जो स्केलेटन है वो हमारा अंदर है, इसलिए ह्यूमंस में क्या होता है? एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में होता है एक्सोस्केलेटन। वो किससे बना होता है? काइटिन एक चीज होती है, उससे बना होता है, इसको पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, चलो अब
ये किस कैसे डिवाइडेड होता है कि जो हमारा ये क्या कहते हैं काइटिन एक्सोस्केलेटन है, इसमें बहुत हार्डन प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्क्लेराइट्स बोलते हैं, जो वेंट्रली स्टर्नाइट्स होते हैं और डोर्सली टर्गाइट्स होते हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे? जैसे स्टर्नाइट्स है, इसकी सिंगुलर यूनिट को हम स्टर्नम बोल सकते हैं, तो जो हमारा स्टर्नम है वो भी वेंट्रल है ना, वो आगे की तरफ है, ऐसे इनके भी जो स्टर्नाइट्स हैं वो आगे की तरफ हैं और जो पीछे है डोर्सल है वो टर्गाइट्स है। ठीक है, आगे हमारा है और इनका वो, मैंने उसमें बताया जैसे कि जो ग्राउंड फेसिंग रीजन होता है उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं और जो स्काई को फेस करता है उसको डोर्सल बोलते हैं। ठीक है, और जो ये है दोनों टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स हैं, दे आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। चलो अब ये डायग्राम अच्छे से देख लो एक बार, काफी बार पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन, हार्डली एक क्वेश्चन ही आता है मोस्टली, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, तो ये हमने तीन बताए थे कि ये हेड है, ये इतना हेड है, ये थोरेक्स है और ये एब्डोमेन है। ठीक है, हेड के आगे दो एंटीना होते हैं, इसके कंपाउंड आईज होती हैं, कंपाउंड आई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो थोरेक्स है वो तीन में डिवाइड होता है। ठीक है, पैरा थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ऐसी एब्डोमेन जो है वो काफी सारे सेगमेंट्स में होता है। फिर टू पेयर ऑफ विंग होती हैं, जिसमें से जो पीछे वाले विंग होते हैं जो हाइंड विंग होते हैं वो फ्लाइट के लिए यूज होते हैं, और जो आगे वाले होते हैं वो उसको कवर करके रखते हैं रेस्ट में। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कॉकरोच को भी आपने देखा हो, तो जो उसका ब्राउन कलर का ये विंग आपको नॉर्मली रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करेगा ना, आपको एक ट्रांसपेरेंट सी चीज फ्लटर करती हुई दिखेगी, तो वो होता है उसका हाइंड विंग, जिससे वो उड़ता है। बट ये आपको रेस्टिंग में नहीं दिखेगा क्योंकि टेग्मिना है जो इसको कवर करके रखेगा। ठीक है, थ्री पेयर ऑफ लेग होती हैं, प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग। बेसिकली जो तीनों कॉम्पोनेंट है थोरक्स के, वहां से एक एक पेयर ऑफ लेग निकलती है। चलिए अब जो हेड है, हेड क्या है, ट्राइंगुलर इन शेप होता है एंड इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये बॉडी एक्सिस है और जो हेड है वो ऐसे नीचे की तरफ फेस कर रहा होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। कभी आप गूगल करोगे कॉकरोच की साइड प्रोफाइल, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये उसकी बॉडी है और ये उसका हेड है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री फेस कर रहा होता है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट। और क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मोबाइल होता है हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक जो नेक है इसकी बहुत छोटी होती है बट बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और हेड में हमने बता ही दिया कि कंपाउंड आईज होती हैं। अब इसके बाद क्या है, ये देखो कि दो एंटीने होते हैं, आई एम श्योर कि आपने ये भी देखे होंगे कॉकरोच के एंटीने होते हैं, बट ये होते क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, इनके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। निकलते कहाँ से हैं ये, दे अराइज फ्रॉम अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आईज। ठीक, फ्रंट ऑफ द आई के आगे हाँ मेम्ब्रेनस सॉकेट है, वहां से निकल रहे हैं। वो मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉकरोच के जो अपेंडेजेस होते हैं जिससे वो बाइट करता है या खाता है। ठीक है, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए जो माउथ पार्ट्स हैं उनके क्या क्या होता है, उसमें एक लेब्रम होता है जिसको हम अपर लिप बोल देते हैं, एक लेबियम होता है जिसको हम लोअर लिप बोल सकते हैं, फिर अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड अ पेयर ऑफ मैक्सिली एंड क्या कहते हैं, एक टंग की तरह फंक्शन क्या करता है, हाइपोफेरिंक्स होता है उसका मीडियन फ्लेक्सिबल लोब। ये रहा जो हाइपोफेरिंक्स है, दैट एक्ट्स एज अ टंग। ठीक है, तो लेब्रम हमने देख लिया था कि ये रहा अपर लिप, ये रहा लोअर लिप और ये रहा इसकी टंग। दो मैंडिबल होंगे, दो मैक्सिल होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई बात हेड की। अब बात आती है थोरक्स की। थोरक्स जैसे मैंने आपको बताया था, तीन टाइप, तीन पार्ट्स का होंगे इसका, प्रोथोरक्स होगा, मीजोथोरक्स होगा, मेटाथोरक्स होगा। अब जो इसका थोरक्स होता है, उसके जो इनिशियल सॉरी उसके जो तीनों पार्ट्स हैं उसमें से एक ही पेयर ऑफ लेग निकलती है, मैंने बताया था आपको, लेकिन जो विंग्स हैं वो सिर्फ लास्ट दो फ्रेगमेंट से निकलती हैं। सो मीजोथोरक्स से जो विंग्स निकलती हैं उनको बोलते हैं फोर विंग्स, और को टेग्मिना ही बोल देते हैं। दे आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी, और ये क्या करते हैं, दे कवर दी हाइंड विंग्स ड्यूरिंग रेस्ट। जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होगा तो इसको कवर करके रखेंगे, और जो हाइंड विंग्स होते हैं विच आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, दे आर यूज इन फ्लाइट। चलिए ये बात हुई थोरेक्स की। अब हम बात करेंगे एब्डोमन की। एब्डोमन में क्या है कि 10 सेगमेंट्स होते हैं, बोथ मेल्स में एंड फीमेल्स में। तो अब बात कर लेते हैं हम फीमेल्स की। पहले फीमेल्स में जो सेवन्थ स्टर्नम है, यानी कि जो सेवन्थ वेंट्रल इसका कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज बोट शेप्ड। ये सेवन्थ सेगमेंट प्लस 8th और 9th स्टर्ना मिलकर क्या बनाते हैं,
ब्रूड और अ जेनाइटल पाउच उस एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे होंगे ना तब पढ़ लेंगे। अब मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो जेनाइटल पाउच होता है या उसको जेनाइटल चैम्बर बोल देते हैं, वो हाइंड एंड पे कहाँ पे होते हैं, 9th और 10th टर्गा के साथ में, मतलब डोर्सली होता है ना, टर्गा हमने बताया था कि डोर्सल होता है, और वेंट्रली सिर्फ 9th स्टर्नम से। तो याद करना, डोर्सली 9th एंड 10th एंड वेंट्रली ओनली द 9th स्टर्नम। एंड इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोपोवाइसिस। एनल स्टाइल भी होती है, ये इंपॉर्टेंट रखना है कि ये सिर्फ मेल्स में होते हैं, हाँ मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं। और दोनों में क्या होता है, 10th सेगमेंट के पास एक जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको एनल सरकाई बोल देते हैं, ये दोनों में होते हैं। तो याद रखो कि बड़े ध्यान से कंफ्यूज नहीं होने कि एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में होगा, बट एनल सरकाई दोनों में होगा, मेल्स में भी फीमेल्स में। चलो अब इसका एक एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डिवाइडेड इनटू फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो फोर गट माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, पहले फेरिंग्स में जाएगी, फिर ईसोफेगस होगा, फिर ईसोफेगस तक तो इनका सेम है हमारे जैसे ही। इसके बाद इनका पास क्या होता है, इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड। लेकिन इसके जो नीचे है ये गिजर्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से याद रखना। प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल देते हैं इसको। इसमें आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर मसल होती है और इनर लेयर होती है, वो क्यूटिकल बनाते हैं, 6 हाइली काइटिनस प्लेट जिनको हम टीथ बोल देते हैं। ठीक है, इनर लेयर क्यूटिकल की है जो 6 हाइली काइटिनस प्लेट बनाएंगे जिनको हम टीथ बोलते हैं। टीथ का काम क्या होगा, हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। ठीक है, और यही गिजर्ड के बाद ही ये जंक्शन है जहाँ पे फोरगट खत्म होगा और मिडगट स्टार्ट होगा। और इन दोनों के जंक्शन पे गैस्ट्रिक या हेपेटिक सीके होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्लाइंड मैंने उस दिन आपको बताया था, जैसे हमने सीकम को ब्लाइंड पाउच बोला था, ब्लाइंड मतलब कि इस एंड पे क्लोज्ड होंगे, सिर्फ एक ही एंड इनका खुला होगा। फिर मिडगट स्टार्ट हुई, मिडगट और हाइंड गट का जो जंक्शन है वहां पे 100 to 150 मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो मैंने उस दिन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में बताया था ना कि कॉकरोच हम पढ़ेंगे, कॉकरोच एग्जाम्पल दिया हुआ था वहां पे, तो ये है वो जिनका काम है एक्सक्रीशन। तो ये मैंने बताया था कि हेपेटिक सीके के बारे में, जिनका काम है सिक्रीट डाइजेस्टिव फूड, और ये मैंने लिखा हुआ है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट, येलो कलर्ड होते हैं ये एंड थिन फिलामेंटस होते हैं। इनका काम क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ। और इसका भी जो हाइंड गट है दैट इज ब्रॉडर देन द मिड गट, डायग्राम में भी देख लो, डायग्राम में भी इन्होंने बनाया हुआ है कि जो हाइंड गट है ये देखो ये थिक बनाया है, ब्रॉड बनाया है, और जो मिड गट है थोड़ा नैरो बनाया है। फिर हाइंड गट डिवाइडेड डिफरेंशिएटेड होता है आइलियम, कॉलन एंड रेक्टम में, और जो रेक्टम होता है वो ओपन आउट थ्रू द एनस। चलो ये हुई बात डाइजेस्टिव सिस्टम की, अब हम बात करते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम की। जिस दिन सर्कुलेशन पढ़ा रहा था मैं, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वेस्क्यूलर सिस्टम कॉकरोच का क्या होता है, ओपन टाइप होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, स्पेसिस में ओपन होगा, जिनको हीमोसील बोल देते हैं। इसके भी नाम में ये सील कैविटी को बोलते हैं और हीम ब्लड को बोल देते हैं। तो जो ब्लड फिल्ड कैविटी होगी, जिसमें जो बाकी ऑर्गन्स होंगे जो उसमें डूबे हुए होंगे, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील और बेथ्ड इन ब्लड, या हीमोलिम्फ बोल देते हैं, क्योंकि इनका एक ही फ्लूइड है जिसको हीमोलिम्फ एक साथ बोल देते हैं। ठीक है, और वो कंपोज किसके होते हैं, किससे होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। अब इनका हार्ट के लिए इनके पास क्या है, हार्ट इनका एक एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है जो मिड डोर्सल लाइन में, मतलब कि डोर्सल मतलब कि ऊपर वाली तरफ, और मिड लाइन में एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है जो होता है, और दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्टिया आपको आगे बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, एमबीबीएस में बहुत जगह पढ़ोगे, ऑस्टिया होती है ओपनिंग, अगर आप किसी चीज में ओपनिंग बनाओगे तो उसको भी ओस्टिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनके दोनों तरफ एक एक ओस्टिया होता है। तो जो साइनसिस है उनसे ब्लड ओस्टिया के थ्रू हार्ट में आएगा और फिर हार्ट उसको पंप करके दोबारा साइनसिस में भेज देगा। ठीक है, तो ये इनकी है ओपन सर्कुलेशन। देख लो एक बार डायग्राम अच्छे से, देख लिया आपने। चलो अब बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है,
consists of a network of trachea that opens through 10 pairs of small holes called the spiracles. याद रखना 10 पेयर्स होते हैं स्मॉल होल्स, इनको बोलते हैं स्पायरिकल्स, जो लेटरल साइड पे होते हैं, मतलब दोनों तरफ 10-10 होल्स होंगे, और उनकी जो ओपनिंग होती है यानी कि स्पायरिकल्स की जो ओपनिंग है दैट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स. अब देखो कैसे होता है कि जो ट्रेकियल ट्यूब है, जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं, और वो आगे ट्रेकियोल्स में डिवाइडेड होती हैं, और ट्रेकियोल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं एयर से और उसको ही सारे पार्ट्स में लेके जाती हैं, और एक्सचेंज जो है गैसेस का दैट प्लेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. चलो ये हुई बात रेस्पिरेटरी सिस्टम की. अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की. तो जैसे ऊपर बताया एक्सक्रीशन कौन करते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स करते हैं. एंड ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स, याद रखना है ठीक है. ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स होते हैं दोनों, मतलब ट्यूब्यूल में. और इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और उनको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में. यूरिक एसिड जैसे मैंने उस दिन बताया था, यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं. यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, लीस्ट टॉक्सिक, बहुत बढ़िया. और ह्यूमंस क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, हम क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है. और अमोनिया कौन रिलीज करते हैं, अमोनिया कौन एक्सक्रीट करेगा, एक्वेटिक, बहुत बढ़िया. फ्रेश वाटर, क्योंकि अमोनिया बहुत हाईली टॉक्सिक है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए सिर्फ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ही करेंगे. तो कौन से एनिमल्स अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके आसपास हर जगह पानी ही पानी हो, तो फ्रेश वाटर में जो जो रहने वाले. चलो बहुत बढ़िया, सब याद आपको, कंटिन्यू करते हैं. और जो इनकी एक्सक्रीशन होती है दैट इज थ्रू दी हाइंड गट, हाइंड गट के थ्रू ही एक्सक्रीट करते हैं, तो उनके पास कोई स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ जिसके थ्रू वो रिलीज करेंगे, तो वो हाइंड गट में रिलीज कर देते हैं जिससे वो रिलीज हो जाते हैं ठीक है. इसके अलावा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स होते हैं विच ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. चलो अब बात जाती है नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम क्या होता है कॉकरोच में, इट कंजिस्ट ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेन्ज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन दी वेंट्रल साइड ठीक है. तो गैंग्लिया होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं और सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं. तो कितने कितने होते हैं, थोरेक्स में 3 होते हैं, एब्डोमेन में 6 होते हैं. अब जो इसका हेड है, जैसे मैं उसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि कट ऑफ होने के बाद भी जिंदा रहते हैं, वो क्यों, क्योंकि हेड बहुत लिटिल पार्ट को कंट्रोल करता है, मतलब बहुत कम पार्ट है जो उसका ब्रेन लाइक पार्ट है ना, वो बहुत कम है. तो एक सेकेंड, कौन सा होता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, एक गैंग्लियन होता है सुप्रा इसोफेजियल, वो होता है हेड में. सो दैट इज एनालॉगस टू ब्रेन कॉकरोचेस में. एंड इट सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीनी एंड कंपाउंड आईज ठीक है. जो एंटीना और कंपाउंड आईज को नर्व्स जाएंगी वो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के थ्रू जाएगा. बाकी रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो वेंट्रल डोर्सल वाले कॉन्सेप्ट यार याद रखना, भूलना मत कि कौन सा सिस्टम वेंट्रल है और कौन सा सिस्टम डोर्सल है ठीक है. सो जो मैंने बोला था कॉकरोचेज कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक इवन अप टू द हेड इज कट ऑफ. अब इसके जो सेक्स और सॉरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स एंड एनल सर्काई. आईज जैसे मैंने ऊपर बताया था कंपाउंड आईज होती हैं. कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है ये, जिनको हम बोल देते हैं हेक्सागोनल होते हैं, ये अराउंड 2000 होते हैं, ओमेटिडिया बोल देते हैं जिनको ठीक है, सिंगुलर कॉमेटिडियम में. तो इसका फायदा क्या है, कंपाउंड आई का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल इमेजेस बनती हैं हमारी तरह, है ऐसे एक इमेज नहीं बनेगी, एक आई बहुत सारी इमेजेस बनेगी. तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है बट उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है. इंसेक्ट्स में मोस्टली मोजेक विजन ही बोलते हैं, मतलब इंसेक्ट्स में मोस्टली कंपाउंड आईज ही होती हैं और इस विजन को मोजेक विजन बोलते हैं कि जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनती हैं. तो सेंसिटिविटी का फंक्शन क्या है कि नॉक्टर्नल नाइट विजन में काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए हम उसको नॉक्टर्नल विजन बोल देते हैं. बट इसका रेजोल्यूशन काफी पुअर होता है, रेजोल्यूशन मतलब कि इमेज क्लियर नहीं बनती, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं तो सेंसिटिविटी ज्यादा है बट क्लियर नहीं बनती, इसलिए रेजोल्यूशन इसका कम है. अब जो हमें सबसे इसका डिटेल में पढ़ना है वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, डाइवर्सियस ऑर्गेनिज्म है, मीनिंग कि दो सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म होंगे एंड बोथ द सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक है. चलो अब हम बात कर लेते हैं मेल्स की. सो मेल्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे
जो फोर्थ से सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होंगे. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वैस डिफरेंस व्हिच ओपन्स इनटू द इजेक्युलेटरी डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल एंड द इजेक्युलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. ठीक है. और एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो होता है सिक्स से सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में. ये वाला जो ग्लैंड है ये मशरूम शेप ग्लैंड है और इसको प्रेकोर ग्लैंड है, ये फेलिक ग्लैंड है. ठीक है. वैसे इसकी थ्री ट्यूब्यूल्स होते हैं बट इन्होंने दो ही लिखे हैं तो आपको यही जानने की जरूरत है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स. बस इतना याद रखो और इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि इसका कुछ भी लेबलिंग मिटा के और कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो बड़े अच्छे से पढ़ना है इसको आपने. हाँ, तो हमने देखा था कि एक मशरूम शेप ग्लैंड होता है इसका. अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल्स में वो किससे रिप्रेजेंटेड होता है, गोनोपोफिसिस या फेलोमियर से. वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, काइटिनस मतलब काइटिन से बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो मेल गोनोपोर को सराउंड करके रखेंगे. अब इनके जो स्पर्म्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसाइकल. ये जो इसका सेमाइनल वेसाइकल है ना इसमें स्टोर्ड रहेंगे और ये जब रिलीज होगा पॉपुलेशन के टाइम पे तब कुछ बंडल की फॉर्म में रिलीज होगा कि आपस में इनको ग्लू करके बाइंड कर दिया जाता है और बंडल्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स. ठीक है, ये लिखा है मैंने. स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन. चलो फीमेल्स की बात कर लेते हैं हम. फीमेल क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी मेन है. ओवरी कहाँ से है, सेकेंड से सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में है. ठीक है. ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा. ओविडक्ट्स होते हैं जो ईच ओवरी से निकलेंगे, ये वाले, ये यूनाइट करेंगे इंटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड दी वेजाइना विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर. द पेयर ऑफ स्पर्माथीका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चेम्बर. ठीक है. स्पर्माथीका कहाँ पे है, सिक्स्थ सेगमेंट. सेगमेंट याद रखना है आपको कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या है. ओवरीज कहाँ पे है, स्पर्माथीका कहाँ पे है, टेस्टिस कहाँ पे थे. ठीक है, सेगमेंट्स नंबर याद रखना अच्छे से. और बाकी इन्होंने जो ये हर एक चीज लिखी है, कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स हैं, कोलेट्रल ग्लैंड्स, जेनिटल चैम्बर ये रहा, वेस्टिबुलम है, गोनोपोफिसिस है, सब आपको बड़े अच्छे से इनकी लेबलिंग याद रहनी चाहिए इस डायग्राम की. ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, मैं हर एक चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ. एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनके डायग्राम्स की लेबलिंग आपको इतने अच्छे से रटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेज पे किस राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है. ठीक है. हर एक डायग्राम को बड़े अच्छे से पढ़ना है और उस डायग्राम की जो डिस्क्रिप्शन होती है, इलेवंथ में थोड़ी कम है, मे बी अभी वाले जितने चैप्टर्स उनमें कम थी, आगे जो मैं चैप्टर कराऊंगा और ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स है ना उनके डायग्राम में डिस्क्रिप्शन कुछ चीज़ ऐसी लिखी हुई है जो थियरी में नहीं है. ठीक है. तो आपको डायग्राम्स बड़े अच्छे से याद रखने हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है. चलो अब जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्मेटोफोर की उसमें निकलेंगे, वो फर्टिलाइज करेंगे एग्स को. जो एग्स हैं दे आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ऊथीके बोल देते हैं. ऊथीका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 3/8 इंच और 8 मिलीमीटर्स लॉन्ग. कॉकरोचेस क्या करते हैं कि उनको कोई भी क्रैक या क्रेविस होगा कि कहीं बीच में क्रैक है किसी वॉल में या फ्लोर में जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई हो और जो फूड सोर्स के पास हो, वहां पे जाके वो अपने ऊथिका को चिपका देंगे. ऑन एन एवरेज अ फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिके एंड ईच ऊथिका कंटेन्स 14 to 16 eggs. ठीक है. तो देख लो कि एक फीमेल कितना ज्यादा कर सकती है. ऐसी कॉकरोचेस के जैसी एक रैट्स होते हैं ना, जो रैट्स की प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा तेज होती है यार, तो इसीलिए उनको भी खत्म करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना तेज उनका रिप्रोडक्शन रेट होता है. ये मेनली होता है साइज पर डिपेंडेंट, जितना बड़ा कोई एनिमल होगा ना उसकी रिप्रोडक्शन उतनी लेट होती है. जैसे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा मतलब 18 मंथ्स होती है उनकी आई गेस जेस्टेशनल पीरियड और वो बहुत लेट, बहुत ही कम मतलब क्या कहते हैं अपनी प्रोजेनी वो करते हैं. इसलिए जितने बड़े एनिमल्स हैं मोस्टली वो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं. ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं कॉकरोच और रैट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा जल्दी अपना क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अब जो डेवलपमेंट है कॉकरोच की दैट इज थ्रू निम्फल स्टेज. सो इसलिए क्या कहते हैं इसको पोरोमेटाबोलस बोल देते हैं. और जो निम्स होते हैं दे लुक वेरी मच लाइक अडल्ट्स. 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं निम्स तब जाके अडल्ट फॉर्म बनती है. ठीक है. 13 टाइम्स मोल्टिंग होगी और जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होती है उसके पास विंग पैड्स होते हैं बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव. ठीक है.
और फिर इन्होंने लिखा लास्ट लाइन क्या है कि अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, दे आर पेस्ट्स बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। तो इनका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है अब तक तो हमें कुछ नहीं पता, बस इनका नुकसान ही है, ठीक है, पेस्ट है। चलो किसी ने क्वेश्चन पूछने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना यार, मैंने सोचा है कि एक दिन बैठ के आपका पूरा का पूरा पेपर ना वो मैं अच्छे से पूरा पेपर ही एनालाइज करके और उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे उसको हम, ठीक है, 2 घंटे बैठ के सारा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मशरूम शेप प्लांट का नाम क्या है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी मशरूम शेप है तो बस उतना ही पूछेंगे यार। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो वो पूछ लो, बाहर के लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वो ओवर हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं भी पढ़ना उन लोगों को भी पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन बाहर के हैं तो आप ग्रुप पे पूछ लो, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, तो 9:40 हुए हैं अभी। फेलो मेयर कितने होते हैं, डायग्राम में देखो, एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ के जाना, कौन सा कितने दिए हुए इन्होंने, इंटीरियर पोस्टीरियर या किसी और, उसमें डिवाइड किए हुए को देखने पड़ेंगे। हाँ, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल, ठीक है, तीन होते हैं। मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग है कि जब निम्फल स्टेज है जब वो अपनी अगली स्टेज में जाएगी तो उस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं, कि ह्यूमंस में नहीं होती इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, इंसेक्ट्स में काफी कॉमन होता है ये, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि जब स्टेजेस बदली जाएंगी उसको मोल्टिंग बोल देते हैं जो प्रोसेस यूज करते हैं। चलो तो कॉकरोच हो गया, अब फ्रॉग और वो तो करना नहीं है हमने, हार्ट, कितने चेम्बर, इनका चेम्बर वाला हार्ट, इनका ऐसे सेगमेंट वाला हार्ट है कि हर एक सेगमेंट में ऐसे ऐसे सेगमेंटेड डिवाइडेड है, ठीक है, तो हमारी तरह चार चेम्बर या फिशेज की तरह 2 चेम्बर ऐसे नहीं डिवाइड करना इनको, इनको सेगमेंटेड हार्ट है इनका, ठीक है, ट्यूब है लंबी जो मल्टीपल सेगमेंट्स है। आपको बस ये याद रखना है, नंबर वंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो बस कोई याद नहीं करना। पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कभी कभी चेंबर पूछते हैं, तो जहां तक मुझे याद है 13 चेंबर्स थे, बट फिर भी मुझे कंफर्म करके देखना पड़ेगा, ठीक है, 13 होते हैं। फीमेल कॉकरोचेस में वेस्टिब्यूलम, हाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, हाँ मतलब बोल सकते हैं वेस्टिब्यूलम को, ठीक है, जेनिटल चैम्बर के अंदर ही, वेस्टिबुलम बेसिकली किसी की ओपनिंग को बोल देते हैं, कि जो ओपनिंग होती है ना किसी उसकी, तो उसको बोल देते हैं। इज निम्फल स्टेज सेम एज लार्वल स्टेज, लार्वा कॉकरोच के नहीं बोलते हम, लार्वे हम मेनली बोलते हैं जो बटरफ्लाई का होगा कैटरपिलर का होगा, उनके लार्वा देखिए ना वो उनकी जो अडल्ट से पहले वैसे जो उसको लार्वा बोल देते हैं, कॉकरोचेस में हम उसको निम्फ स्टेज बोल देते हैं, निम्फल स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। मशरूम ग्लैंड का क्या नाम है दूसरा, मुझे नहीं याद यार, नाम मैंने कभी याद भी नहीं किया, ना मैंने कभी देखा, ना मैंने कभी क्वेश्चन देखा कभी, ठीक है, तो मैं जो चीज़ नहीं देखता था उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेता था, ठीक है। कोलेट्रल ग्लैंड क्या करती है, आपको क्या करना है यार, कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, बस कोलेट्रल ग्लैंड कुछ है, कुछ सिक्रीट करती होगी, ग्लैंड से क्या फंक्शन होता है, सिक्रीशन फंक्शन होता है, तो आपको इतना याद रखना है कि कोलेट्रल ग्लैंड कौन से हैं। ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ चीज़ें कि याद क्या करना है आपको, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को, तो जरूरी है जो दिया हुआ उसे याद रखो बस, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे करनी है, ठीक है, उस तब तब की तब देखेंगे। चलो तो हो गया, 9:41 हुए हैं अभी, तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ सेल, सेल यूनिट मैंने बताया नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं यार पूरे नोट्स नहीं बना पाया सेल के, क्योंकि तो करते करते मैंने मेरा यहाँ ये वाला टेंडन पेन करने लग गया था, तो मेरे को रुकना पड़ा लिखना, ठीक है, तो मैंने कम ही लिखा है थोड़ा, तो आज मैं नियरली आधा चैप्टर कराऊंगा, बाकी मैं थोड़ा कल करा दूंगा, कल पूरा सेल करा के और फिर मैं आगे देख लूंगा, आज मैं पूरा नहीं करवा, पूरा नहीं नोट्स नहीं बना पाया, तो अगर 5 मिनट का ब्रेक लेना तो 5 मिनट ले लेते हैं, 9:45-46 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हो गया ब्रेक, तो मैंने देखा एक दो कोलेट्रल ग्लैंड्स का क्या ही फंक्शन है, कोलेट्रल ग्लैंड जो ऊथी का मैं बता रहा था लेयरिंग होती है एग्स की, वो रिलीज करते हैं, ठीक है, सिक्रेट करते हैं, मैंने अब तक नहीं पढ़ा था बट अब पढ़ लिया तो सुन लो, कोई याद वैसे कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और एक कोई मोल्टिंग पूछ रहा था, मोल्टिंग मैंने बताया था जैसे
ये सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं, कुछ वर्टिब्रेट्स भी रहते हैं। स्नेक्स का आपने सुना होगा कि स्नेक्स अपनी स्किन को शेड करते हैं ना, वो भी मोल्टिंग होती है। तो स्किन शेड करके और नई स्किन को प्रोड्यूस करना, उसको ही मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉकरोचेस भी करते हैं। निम्फ्स जो अपनी शेडेड स्किन है उसको पीछे छोड़ देते हैं और नई फिर आगे आगे से 13 लेयर करते हैं।